गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, ये वाला जो मौसम होता है ये बड़ा अजीब सा होता है। मतलब एज ए पॉजिटिव वे मैं बोल रही हूँ कि सारे जो सब विंटर वाले फ्लावर्स होते हैं वो पूरे तरीके से खिल रहे होते हैं, कलर बिखेर रहे होते हैं, और दूसरी तरफ आपके जो समर प्लांट्स हैं वो भी रेडी हो जाते हैं। तो उनको लगाने के लिए स्पेस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है। तो मैंने आपके साथ एक टिप शेयर किया था कि इन्हीं पॉट्स में जगह कर करके उन सैपलिंग्स को लगाते रहिएगा। जैसे ही ये वाले फ्लावर्स खिलने बंद हो जाएँ, इनके बीज बना लीजिएगा, कट कर दीजिएगा ऊपर से, और जिससे कि जो गर्मियों वाले प्लांट्स हैं उनको ग्रोथ करने के लिए स्पेस मिल जाए और ताकत मिल जाए। दो तीन दिन पहले एक सवाल था एक भैया का कि मैम जैविक तो कर लिया लेकिन पानी की समस्या का बताइए, पानी का क्या करें। तो देखिए, मैं राजस्थान में पली बड़ी हूँ तो मुझे पता है पानी की कीमत क्या होती है, बचपन से ही देखा है पानी का किल्लत। तो मैं यहाँ पर भी ठीक है, पानी हमारे बहुत आता है, लेकिन कई बार मैंने आपके साथ शेयर किया है कि दो दो दिन पानी नहीं आता है, तो उस टाइम मैं कैसे मैनेज करती हूँ। और ये जो मेरा पॉट फिलिंग का मेथड है, इस मेथड में मैंने आपके साथ जो चीज़ शेयर की है कि पॉट में जितना हो सके ऑर्गेनिक मैटर जो कि डिकम्पोस्ट हो जाता है, जो भी हमें प्रकृति से मिलता है रॉ फॉर्म में आप भरिए, तो उससे आपको दो बेनिफिट होंगे। एक तो देखिए, जब वो डिकम्पोस्ट होगा खाद बनेगा, आपके पौधों को पोषण मिलेगा। दूसरा क्या होता है, आपको पता है जितना भी कार्बन कंटेंट होता है, कार्बन जो भी होता है जो हम पॉट्स में फिल करते हैं, वो नमी को अपने अंदर ऑब्जर्व करके रखता है। आप जब भी पॉट पलटते होंगे, अगर आपने मेरी तरीके से पॉट फिल किया है, जब आप पॉट पलटेंगे, खाली करते होंगे या रिफिल करते होंगे, तब आप देखेंगे जो नीचे हमने ऑर्गेनिक मैटर भरा हुआ, लाइक ड्राई लीव्स हो गए, कोकोनट हस्क हो गए, या फिर गन्ने के छिलके हो गए, जो भी मैटर आपने भरा है वो काफ़ी सारा जो पानी है अपने अंदर होल्ड करके रखता है। तो देखिए, पानी की अगर आपको पूर्ति करनी है, पानी को बचाना है, तो ये वाला मेथड आपको अपनाना पड़ेगा। आपको मैंने कई बार शेयर किया है कि मेरे टेरेस पर नेट नहीं है और नेट लगाने की सुविधा भी नहीं है। कई बार कोशिश की लेकिन वो फट जाता है नेट ना, इतनी तेज़ हवा आती है तो मैं वो कर नहीं पाती हूँ। तो मैंने उसका तोड़ यही निकाला कि जो मेरा पॉट फिलिंग स्टाइल है उसमें पानी की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है और तेज़ धूप को भी मेरे पौधे बहुत अच्छे से सह पाते हैं। पिछले 3 साल से डेली का आपको अपडेट देती हूँ किस दिन क्या हो रहा है। 47 डिग्री तक भी टेम्परेचर जाता है उसमें भी पौधे सही रहते हैं, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि मैं पॉट फिल जो करती हूँ उस मेथड में बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर होता है जो कि पानी को ऑब्जर्व अपने अंदर करके रहता है। और ये सिस्टम आप जिस दिन सीख जाएंगे ना कि जंगल में कोई पानी देने नहीं जाता, धूप तो देखिए वहाँ भी पड़ती है लेकिन फिर भी वहाँ पर सारे पौधे सही रहते हैं। आप कहेंगे कि मैम वो तो ज़मीन में लगे हुए होते हैं, मिट्टी के अंदर बहुत गहराई तक जड़ें चली जाती हैं पानी लेने के लिए। यस, बिल्कुल आप सही हैं, लेकिन हम पॉट्स में भी उस मेथड को अपना सकते हैं थोड़ी सी मेहनत करके, क्योंकि जो पौधा हम लगा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हमने पॉट दे दिया तो काफ़ी सारी हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। और पानी तो देखिए अमूल्य है, आपको पता है पानी दिन पर दिन पीने का कम होता जा रहा है, तो हमें उसे बचाना भी है, वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये वाला अगर मेथड आप अपनाते हैं, जितना हो सकता है, जितना मिल सकता है, आप अपनी मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर मिलाते चले जाते हैं, कार्बन मिलाते चले जाते हैं, तो आपकी मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बढ़ जाएगी, आपकी मिट्टी में कार्बन की मात्रा बढ़ जाएगी, और सारी चीज़ें अगेन प्रकृति अपने आप मैनेज करने लगेगी। और अगेन बीज ज़रूर कलेक्ट करिएगा। देखिए, एक कलर ये भी खिल गया है, पिंक एंड रेड, देखिए ये खिल गया है। मैंने 5 कलर लगाए थे, आई थिंक 5 या 6 कलर सारे ही खिल गए हैं, और एक कलर अभी बाकी है, उसमें मुझे पता नहीं कौन सा कलर खिलेगा तब शेयर करूँगी। तो अपने लिए बीज ज़रूर कलेक्ट करिएगा। आपने बीज इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया और कटिंग लगाना सीख लिया, तो आपका बहुत सारा जो पैसा है बचेगा, साथ ही साथ आपके जो पौधे नर्सरी से लाने के बाद मर जाते हैं वो नहीं मरेंगे, क्योंकि आपके बीज से उगाया हुआ पौधा आपकी मिट्टी में ही तैयार होगा और हरियाली और कलर तो भरपूर आएंगे ही आएंगे। और ये देखिए, वापस से हल्दी कुमकुम खिलने लगा है, दोनों ही कलर खिल गए हैं, और अब इन पर भी बटरफ्लाई आना स्टार्ट होगी, क्योंकि एक बटरफ्लाई है जिसकी ये प्लांट फेवरेट है, होस्ट प्लांट है, इसी पर वो अंडे देती है, लार्वा बनते हैं और बटरफ्लाई बनके उड़ जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन मैं देती हूँ, शेयर करती हूँ, पसंद आती होंगी, अप्लाई भी करते हैं, बात करते हैं, और आपके यहाँ काम कर रही हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करा करिए, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने का मन करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं,
और फॉलो नहीं किया है तो पेज को फॉलो कर सकते हैं। और जो लोग यूट्यूब पर मेरे वीडियोस देखते हैं ना, वो लोग प्लीज़ मेरे पेज पर ज़रूर फॉलो करिए, क्योंकि वहाँ पर मैं दिन में 2-3 वीडियोस डाल देती हूँ, शॉर्ट डालती हूँ। तो आई होप आपकी और भी ज़्यादा हेल्प होगी। तो जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं वो फेसबुक पेज सोनम क्रिएशंस ज़रूर फॉलो करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।